बहुत कुछ खाने को बहुत परेशानी थी, बहुत मजबूरी से खा सकते थे कुछ भी। हाँ और अभी ये जो लगा दिए हैं आप, ये तो फर्स्ट क्लास, इसमें तो कुछ टेंशन नहीं है अभी। हाँ निकालने का झंझट नहीं है, धोने का झंझट नहीं है। हाँ और एकदम कुछ दर्द भी नहीं है। हाँ एकदम आराम से बहुत अच्छा आप काम करते हैं। ये है खाने चबाने में क्या क्या खाया? खाने को तंदूरी रोटी खाया था और चिकन खाए थे, फिर थोड़ा चावल खाया था और थोड़ा दाल खाया था। सब चबाने में आया बढ़िया? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। जैसा आपने सोचा था वैसा काम हुआ? हाँ हो गया। वैसा हो गया ना? हो गया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात वही होती है कि मेरा जो मरीज सोच के आए, जैसा अपने दिमाग में इमेज लेकर के आते हैं, मेरे व्यवहार को लेकर के, हमारे स्टाफ के व्यवहार को लेकर के, या हम जो काम का जो क्वालिटी है उसको लेकर के, तो हमको बस यही रहता है कि हमारे मरीज की जो इच्छा है, जो हमसे उम्मीद लेके आए, हम उस पर 100% खड़े उतरने की कोशिश करें। तो ये है। और कोई दर सूजन लेके नहीं जा रहा है? सब बढ़िया है। तो घर जाइए और खूब खाइए चबाइए। अब घर में जो बाकी सब खा रहा है वो आप खूब खाइए। और आपके कुवैत में तो भैया मीट है, सब चीजें नॉन वेज ज्यादा है, ठीक है। सब जगह मैं भी घूमता रहता हूँ। आपको पता है? हाँ, तो आपका पूरा वीडियो हम देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। कितना वीडियो आप डालते, जो वीडियो आप डालेंगे सब हमारे आ जाता है ना, क्यों हम फॉलो रहे हैं। चलिए अब आपका वीडियो भी आएगा जल्दी। अपना वीडियो आए तो सबको भेजिएगा, देखो भैया मेरे दाल लग गए डॉक्टर साहब के यहाँ और बढ़िया हो गया। हीरालाल पासवान जी हैं और आप रहते हैं कुवैत में, जॉब करते हैं वहां पर और काफी सालों से, कितने सालों से रह रहे हैं? 25 साल से कुवैत में रह रहे हैं। और समस्या ये थी कि वही जो है ना, दांत बचे नहीं थे, तो आपने कुछ निकालने लगाने वाले दांत ऊपर नीचे लगाए हुए थे, लेकिन वो काम ढंग से कर नहीं रहे थे। आपने हमें संपर्क किया कि जो है डॉक्टर साहब मेरे दांत लगा दीजिए, आप फिक्स वाले जो लगाते हो लोगों के, बिल्कुल लगाएंगे, आपके भी लगाएंगे। हमारे पास आए और हमने जो है ना ऊपर और नीचे के जो भी 2-4 इनके अपने नेचुरल दांत बचे थे वो हटा करके ऊपर नीचे इम्प्लांट लगा करके सारे दांत जो है ना फिक्स कर दिए। जो भी 12-15 दिन का समय लगा होगा, उससे पहले इनका बोन स्कैन कराया, एक्सरे कराए और सब में देखा कि जो हड्डी है वो कुछ कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे अच्छी थी, तो इम्प्लांट लगा करके फिक्स दांत हो गए। अब हीरालाल जी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे कैसा रहा, ठीक है, दांत लगने के बाद में निकालने लगाने वाले दांत और इन दांतों में क्या फर्क नजर आया, चबाने में कैसा रहा, तो सर बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस अपना, बिंदास बोलिए। दांत लगाने वाला निकालने वाले में बहुत तकलीफ था। हाँ बहुत कुछ खाने को बहुत परेशानी थी, बहुत मजबूरी से खा सकते थे कुछ भी। हाँ हाँ और अभी ये जो लगा दिए हैं आप, ये तो फर्स्ट क्लास, इसमें तो कुछ टेंशन नहीं है अभी। हाँ निकालने का झंझट नहीं है, धोने का झंझट नहीं है। हाँ और एकदम कुछ दर्द भी नहीं है। हाँ एकदम आराम से बहुत अच्छा आप काम करते हैं। चलिए इसके लिए आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद आपका। और ऐसा सोचते हैं, मैं बहुत परेशान था, मैं आपसे कोरोना के पहले से संपर्क में किया था, आपको ध्यान नहीं, कोरोना अच्छा। के पहले आपको कॉल किया था, बात किया हुई थी आपसे। अच्छा चलिए आप बोले थे आ जाओ, फिर हम आया, इंडिया आया वापस, तो कुछ मजबूरियां थी, फिर नहीं आ सका। नहीं आ सके। हाँ हाँ फिर अब की बार आया तो सोचा चलो अब की करा के जाएंगे, अब की स्पेशली इसी के लिए आया था। बहुत बढ़िया, स्पेशली आज तभी समय निकल पाता। हाँ स्पेशली इसी के लिए आए थे, नहीं तो बहुत मुश्किल था। हाँ तो बहुत लंबा भी है आपके इधर से, हमारा घर लंबा भी है, जाने के लिए लंबा है। काफी सारे लोग आते हैं मेरे से, मैं बड़ा अचंभित होता हूँ, कहते सर मैं 5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, 6 साल हो गई, सब 7 साल हो गई, मैं आपकी लगातार वीडियो देख रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके बारे में पता कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग तो आगरा में जो लोग उनके रिलेटिव रहते हैं, जानने वाले रहते हैं, उनसे पता करवाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भैया डॉक्टर साहब का बहुत नाम है, दूर दूर का नाम है, आप जो है आइए कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पता करने मेरे से आ जाते हैं कि वो डॉक्टर साहब से मिलना, जरा हमारे कोई रिलेटिव है उनसे बात है। तो मैं व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ कि कोई इंसान 3 साल से हमसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, ये है कि आप लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन मैं इंडियन लोगों कहते हैं भैया आप इतना समय मान लो जल्दी पहुंचो, ठीक है। कुछ लोग 2-2, 3-3 साल सोचते रहते हैं इतना समय मान लो, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना हड्डी खराब होती जाती है, यही तो परेशानी हो गई ना, वो डेंटल लगाते लगाते हड्डी गल गई, जल जाती है, पिचक जाती है उसके प्रेशर से, मसूड़े भी खराब हो जाते हैं। तो फिर यही है, देखिए काम तो हो जाता है, लेकिन ये है कि जितना जल्दी कराए उतना बेहतर बेहतर रहेगा, बेहतर। तो ये है खाने चबाने में क्या क्या खाया? खाने को तंदूरी रोटी खाया था और चिकन खाए थे, फिर थोड़ा चावल खाया था और थोड़ा दाल खाया था। सब चबाने में आया बढ़िया? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। डेंचर से खा लेते थे वो?
दांत निकालने वाले दांतों से खाते थे लेकिन वो अलग है, ये अलग वो मसूड़े पे दबाव देता है ना, वो मसूड़े ये सीधा इम्प्लांट हड्डी में कसे हुए हैं। हाँ तो इसका जो बात अलग है, थोड़ा सा बात अलग है, उसका बात अलग है। वो अब ऐसा खाने का जो है वैसा उसमें नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब इससे तो हम निकालने वाले दांत लगवा लें। हमने कहा नहीं, वो चीज नहीं आएगी, निकालने लगाने दांतों से वो चीज नहीं आएगी जो इम्प्लांट वालों से आती है। तो ये है। और कैसा स्माइल, स्माइल अच्छा हो गया? हाँ एकदम फर्स्ट बढ़िया। मैडम को भेजा फोटो? अभी भेजा, डायरेक्ट सरप्राइज दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। इधर रुकने रुकने का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं दिक्कत नहीं हुआ, ठीक सब सब सही रहा। अच्छा आराम। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जैसा आपने, क्योंकि आप 5 साल से सोच रहे थे, संपर्क में थे, जैसा आपने सोचा था वैसा काम हुआ? हाँ हो गया, वैसा हो गया ना? हो गया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात वही होती है कि मेरा जो मरीज सोच के आए, जैसा अपने दिमाग में इमेज लेकर के आते हैं, मेरे व्यवहार को लेकर के, हमारे स्टाफ के व्यवहार को लेकर के, या हम अब जो काम का जो क्वालिटी है उसको लेकर के, तो हमको बस यही रहता है कि हमारे मरीज की जो इच्छा है, जो हमसे उम्मीद लेके आए, हम उस पर 100% खरे उतरने की कोशिश करें। तो ये है। और कोई दर सूजन लेके नहीं जा रहा है? सब बढ़िया है। तो घर जाइए और खूब खाइए, चबाइए। अब घर में जो बाकी सब खा रहा है वो आप खूब खाइए। और आपके कुवैत में तो भैया मीट होता है, सब चीजें नॉन वेज ज्यादा है, ठीक है। सब जगह मैं भी घूमता रहता हूँ। आपको पता है, आपका पूरा वीडियो हम देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। कितना वीडियो आप डालते, जो वीडियो आप डालेंगे सब हमारे आ जाता है ना, क्यों हम फॉलो रहे हैं। चलिए अब आपका वीडियो भी आएगा जल्दी। अपना वीडियो आए तो सबको भेजिएगा, देखो भैया मेरे दांत लग गए डॉक्टर साहब के यहाँ, और बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद सर। चलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ, बहुत फील कर रहे हैं। यही जरूरी है। बाकी तो ये है कि भाई आप लोग आते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम घर से दूर आए, या हमें डॉक्टर एटीट्यूड वाले मिले कि कुछ बात ही नहीं। हाँ, कर, हाँ, सही से वो नहीं कर रहे, तो वो चीज हमारे तो नेचर में नहीं है। हम तो शुरुआत से ही अपना मेन मिलाप से काम करते हैं और बढ़िया से कोशिश करते हैं। हम आपके पास जब भी फोन किया था कुबेर से, जब आपने फोन उठा लिया और जवाब दिया हमको, तभी हमारे दिल में हो गया कि ये इनसे अच्छा डॉक्टर कोई भी नहीं हो सकता। क्यों, कोई डॉक्टर किसी का फोन रिसीव नहीं करते जल्दी नहीं करते। मैं तो जो है कोशिश करता हूँ, अब जो बच्चे दिन में आप लोगों की सर्जरी करता रहता हूँ, आपने देखा कितने सारे पेशेंट सब दूर दूर से आते हैं, तो अभी क्या मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर दिन में कॉल आ रहा है तो इन बच्चों को बोल रखा है कि बेटा मैं सर्जरी में हूँ, तो उनको बोलो व्हाट्सअप कर दे, मैं रात को बैठ करके जवाब दूंगा। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से भी बता दूं कि अगर आपको दांतों से संबंधित कोई भी परेशानी है और आप डिस्कशन करना चाहते हैं, दांत लगवाने हैं, कीड़े लगे हैं, कोई पारिया की समस्या है, कुछ भी है दांत से संबंधित, तो आप जो है ना ये जो व्हाट्सएप नंबर हम जो देते हैं उसमें डायरेक्ट जो है ना लोग जो है ना जैसे कॉल करते हैं, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर देते हैं इस पे अपनी जो परेशानी है वो लिख दें। क्योंकि अगर हम सर्जरी में हैं या कहीं बिजी हैं, मरीजों के ऊपर बिजी हैं, तो आपको इतना से आपकी बात समझ के और फिर हम आपको अनुसार जो है ना, और अगर आपको ये है कि हमें डॉक्टर साहब से बात ही करनी है, तो व्हाट्सएप पर लिख दें कि सर हम आपसे पहले अपना केस पूरा भेजें और फिर उस पर लिख दें कि हम जो है ना डॉक्टर साहब आपसे एक बार बात भी करना चाहते हैं, तो हम वो समय बता देते हैं जिस समय हम कॉल्स लेते हैं, तो उस समय आप बात भी कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे अपने दांतों की फोटो भेजें, कोई एक्सरे करा रखा है वो भेजें, और आप अपना कहाँ रहते हैं, आपकी क्या समस्या है, ठीक है, और दांतों में क्या परेशानी है, क्या इलाज चाहते हैं, वो सब जो भी चीजें हैं वो सब भेजें। क्या खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, कहाँ आना पड़ेगा, वो जो जो आप जो है ना जो आपके मन में विचार हैं वो अपने केस को लेकर के वो सब व्हाट्सएप पे लिख दें, एक बार में ही लिख दें, जिससे कि हम एक बार में आपको जवाब दे दें। कभी कभार लोग क्या करते हैं, एक बार हाय लिखेंगे, फिर हम कहते हैं बताइए, फिर वो लिखेंगे कि जो है सर हमको दाल लगवा दें, फिर हम कहेंगे फोटो भेजिए, फिर वो जो है लिखेंगे ठीक है वो भी एक्स्ट्रा भेज देंगे, फिर कहेंगे मसूड़ों की दांतों की फोटो भेजिए, मसूड़े दिखते नहीं एक्सरे में, तो फिर वो भेजेंगे, तो उसमें क्या आपका काफी समय बर्बाद होता है, हमारा भी होता है, क्योंकि हम फिर दूसरे मरीजों को 100 से 150 लोगों मरीजों को रोज जवाब देते हैं, ठीक है। और यहाँ आपने देखा सारे दिन बहुत बिजी रहते हैं, रात में जब फ्री होते हैं तब जवाब देना शुरू करते हैं, या दिन में बीच में थोड़ा फ्री होता हूँ जवाब देता हूँ, तो आपको एक बार में सब चीजों जवाब मिल जाए, तो आपको सारी चीजें हिस्ट्री एक साथ भेज दीजिए, सब भेज दीजिए, और उसके बाद जो है ना सारा जवाब हम आपको एक साथ दे देंगे। तो इस तरीके से व्हाट्सएप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है ये, और अपने घर बैठे ही आप जो है ना सब चीजें अपनी समझ सकते हैं, अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए हीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, धन्यवाद सर। घर जाइए और खूब चबाइए, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हीरा जी को बोला ये तो शेयर करेंगे जब इनका वीडियो बनेगा जो अपलोड होगा, आप इसको शेयर करिए। मैं हर वीडियो में भूल जाता हूँ ये बोलना, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे
तो चैनल बढ़ेगा तो तब जो है ना लोगों के पास और से ज्यादा ये वीडियो पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी जनसंख्या है, सब लोग ऐसा नहीं है कि YouTube पे हमारा ही बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो एक अचानक जैसे आपके सामने कभी अचानक आ जाता है कोई वीडियो, वो इसीलिए आता है YouTube तब रिकमेंड करता है जब उसको लाइक करना शुरू करते हैं आप, सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं, उसको शेयर करना शुरू करते हैं, बेल आइकन होता है उसको दबाइए, जिससे कि जब भी आपको नया वीडियो हमारा आए तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डॉक्टर साहब ने एक नया वीडियो डाल दिया। तो एक जो बेल आइकन होता है उसको दबा लीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। ये वीडियो जरूर करिए, अब मैं बोलने वाला हूं हर वीडियो में, तो ये जो है ना इससे जो है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है। चलिए हिराल जी धन्यवाद आपका सर, और खूब खाइए चबाइए, ठीक है। Thank you.